नमस्कार, मैं हूं अनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जगप्रेम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और बताया कि प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर एडमिशन फीस व बुक सेट खरीदने का दबाव पेरेंट्स पर बना रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स को बच्चों के नाम काटने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न भी कर रहे हैं, जिसके कारण पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट के प्रति काफी रोष व्यक्त किया है। संकट की इस स्थिति में पेरेंट्स क्या करें? ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। अभिभावकों को स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक कमेटी ने ज्ञान बांटा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। आज वो स्कूल अपने नियमों को तोड़ते हुए मनमानी अभिभावकों पे जुर्म ढा रहा है कि अब स्मार्टफोन खरीद के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए दे दिए हैं, जिसके लिए हम भरसक गगप्रेम सेवा समिति जो है भरसक इनकी आलोचना करती है और इनसे कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा क्या शिक्षा है। जब अमेरिका ने भी ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दी विकसित देश ने, तो हमारे विकासशील देश में शिक्षा कैसे प्रारंभ हो सकती है? मेरा नाम मुकेश वर्मा, अध्यक्ष जगप्रेम सेवा समिति। आज डीएम कार्यालय आए, किस विषय में आए हैं? आज हम निजी स्कूलों द्वारा जो अभिभावकों और बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में हम आए हैं कि वह बंद होने चाहिए। एक तरफ तो कोरोना काल में आर्थिक मंदी हो रही है और उस वजह से आदमी खाने खाने को परेशान है, दूसरी तरफ ऑनलाइन का नाटक करके जो प्राइवेट स्कूल हैं फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, और जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो वो कोर्स क्यों बेच रहे हैं? तो किताबें भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जिन लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दीजिए, लैपटॉप खरीद कर दीजिए, ताकि वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। अब जिस घर में खाने को नहीं है वो आदमी इतना कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ फीस भी जमा करनी है। तो फीस माफ़ी के 6 महीने की फीस माफ़ी के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं अपने डीएम साहब के माध्यम से कि जी 6 महीने की फीस माफ़ की जाए और ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो, ताकि बच्चों पे के ऊपर हो रहे मानसिक अत्याचार और अभिभावकों पर हो रहे आर्थिक अत्याचार का